Hi dear students, welcome to business studies class. So in last class I explained the things about what is in statistical calculation. So what are the features of statistical calculation and merits and limitations, I am going to explain in this video. Okay, so statistical calculation ka matlab maine last video mein bataya gaya hai, matlab jo bhi departmental undertaking kind of forms of business organization public sector mein aate hai, wo that is the oldest and traditional form of business according to the public sector. Okay, but jo bhi humne naya business start karna hai government ki taraf se, tab kya karna padega, uska detailed document banana padega, usme rules, regulations, procedures, policies sab likh ke wo parliament mein submit karna padega. पार्लियामेंट के सभी लोग उसके लिए अग्रीड है तो वो आपका एक्ट पास हो जाएगा, तो आप उस एक्ट के तहत आप आपका बिजनेस चला सकते हो. सो दैट इज द स्टैटिस्टिक कॉर्पोरेशन. सो उसके फीचर्स क्या है, तो फर्स्ट फीचर है क्रिएटेड बाय एक्ट, ऑब्जेक्ट यूज पावर एंड फंक्शंस, मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, उसमें सभी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स पावर फंक्शंस, मतलब क्या क्या काम है, उनको एम्प्लॉयज कैसे अपॉइंट करना है, किसके पास कितना अथॉरिटी क्या रहेगा, और सभी एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा और वो पार्लियामेंट में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा. तो पार्लियामेंट के लोग इसके लिए एग्रीमेंट रहेंगे, जो भी हमने इलेक्टेड पर्सन सेलेक्ट किया है पार्लियामेंट के लोग, उनको एक उनका सम्मति है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फिर सो दे आर गोइंग टू गिव अ परमिशन टू स्टार्ट दैट बिजनेस. ओके, सो इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में वो बिजनेस नया होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट चूज करके देता है. सो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस बिजनेस का कामकाज देखता है. हमने बताया कि फेब्रुवरी में, फर्स्ट ईयर फेब्रुवरी में
सेंट्रल बजट रहता है। तो सेंट्रल बजट में सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी काम के लिए एक अमाउंट, एक कैपिटल, एक पैसा, थोड़ा अमाउंट, थोड़ा मनी बजट में फिक्स किया जाता है। सो इस बिजनेस के लिए इतना, उस बिजनेस के लिए इतना, सो सेंट्रल बजट में फॉर्म किया जाता है। बट स्टेटसरी कॉर्पोरेशन के लिए जो भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल बजट से नहीं आएगा, वो खुद मैनेज करना चाहिए। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल बजट में लिखा जाएगा। अभी रेलवे डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो रेलवे के लिए कितना बजट होगा, मतलब नया प्लेटफॉर्म बनाना है, नया रेलवे परचेज करना है, तो उसके लिए कितना भी बजट लगेगा वो सेंट्रल बजट में मेंशन किया जाएगा। बट स्टेटसरी कॉर्पोरेशन जो भी बिजनेस है उसके लिए बजट, बजट में कोई भी पैसा नहीं मिलता बजट से। सो उनका पैसा खुद वो बिजनेस मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज आर नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब इस बिजनेस में जो भी काम करने वाला है वो, उन लोगों को हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं बुला सकते। दे आर नॉट अ सिविल सर्वेंट, दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब वो गवर्नमेंट का काम करते हैं बट दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं वैसे ही उनको हम ट्रीट करते हैं। सो एग्जाम्पल मैंने बताया LIC, सो LIC के जो भी लोग काम कर रहे हैं दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, सो दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर जस्ट हेल्पर्स, अदरवाइज यू कैन कॉल दे आर जस्ट लाइक अ प्राइवेट सर्वेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयज की तरह ही होते हैं, उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करके नहीं खाते। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ स्टेटसरी कॉर्पोरेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्टेटसरी कॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट वन, एंजॉय द इंडिपेंडेंस इन फंक्शनिंग, मतलब इस बिजनेस का जो भी कामकाज है वो खुद मैनेज करते हैं, मतलब वो बिजनेस खुद मैनेज करता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं रहता, गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता। सो दे कैन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ फंक्शनिंग, मतलब गवर्नमेंट का प्रेशर उनके ऊपर कभी भी नहीं रहता, वो खुद का बिजनेस कैसा चलाना चाहिए, कैसा मैनेज करना चाहिए, कैसा कंट्रोल करना चाहिए वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो दे आर रिलैक्सिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बर्डन। ओके, नेक्स्ट वन, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अनडिजायरेबल गवर्नमेंट इज नॉट सी हियर, मतलब हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आपने एग्जाम्पल लिया तो वहाँ पे नो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब उस बिजनेस में कुछ भी चेंज करना है और कुछ भी काम है तो इजीली काम नहीं होता वहाँ पे इट टेक्स अ टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, वहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो अपोजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में अपोजिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए टाइम लगता है। बट यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन क्विकली डिसीजन लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल मतलब लीडर लोग जो है, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं, वो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते। अनडिजायरेबल गवर्नमेंट इज नॉट सीनियर, मतलब जहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे वो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करते, जहाँ इंटरफेयर करना चाहिए, जहाँ देखना चाहिए कुछ को करप्शन हुआ, कुछ भी तकलीफ है तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करना चाहिए। बट अननेसेसरी जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट उनके कामकाज में कोई भी तकलीफ नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट है नो फंडेड बाय द गवर्नमेंट, सो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सो नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सो नो फंडेड बाय द गवर्नमेंट, सो नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसके लिए पैसा नहीं दिया है, वो खुद का पैसा खुद मैनेज किए हुए, तो गवर्नमेंट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी कि उनके कामकाज में उनको डिस्टर्बेंस करो क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो गवर्नमेंट देख सकता है कि कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे देख सकता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, बट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया तो इसलिए गवर्नमेंट भी उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं देखता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पैसा ही नहीं दिया ना। नेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट, सो ये बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, एक स्पेशल एक्ट, एक पार्लियामेंट में एक लॉ बनाना पड़ता है, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है वो फ्रेम करना पड़ेगा। सो ओन बाय पॉलिसीज, फ्रेम बाय द पॉलिसीज, मतलब जो भी हमारे बिजनेस के लिए जो जैसे भी रूल्स लगेंगे, जैसे भी प्रोसीजर है, फंक्शनिंग काम कैसा करने वाला है, सो जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है वो खुद डिसाइड करते हैं। आप LIC का देखो, जो भी न्यू स्कीम आ रहा है वो गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किया है, वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, ना कि गवर्नमेंट ने। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
सो उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि बैच के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, मतलब कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कितना लोन देना है, क्या देना है, वो उनका रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, इन सम केस प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, बट सब एक ऐसे थोड़े केस रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प लेना नेसेसरी है, तो सम केसेस गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना वहाँ पे इम्पोर्टेंस बन जाता है, तो इसलिए दिस कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तो इनकी तरफ से होता है। सो नाउ सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टेटस्टरी कॉर्पोरेशन। Now let's see what are the limitations of statutory corporation. So first one, in reality they are not enjoying operational flexibility, many rules and regulations they have to follow. So statutory corporation में हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी rules act के अनुसार जो भी कायदे में लिखा है उसके rules policies उन्होंने बनाया है उस business के लिए, so उसके हिसाब से वो चलेगा, but reality में क्या रहता है, यहाँ पे political इंटरफेरेंस रहता है, मतलब द रियलिटी दे नॉट हैव एंजॉयिंग द ऑपरेशनल फ्रीडम, सो फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे रूल्स में बताया बट रियल सिचुएशन में वैसा नहीं होता, बिकॉज मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन दे हैव ऑल्सो फॉलो बाय द मीन्स गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बताया है वो उनको फॉलो करना कंपल्शन है, बट हमारे बिजनेस मतलब जो भी एक्ट में लिखा है सो उस हिसाब से सब कुछ नहीं चलता, समटाइम्स दे हैव टू चेंज देयर रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज सीन इन मेजर डिसीजन, मतलब जो भी इस बिजनेस में डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में मैक्सिमम टाइम्स गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, अदरवाइज पॉलिटिकल जो भी लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी तरफ से भी वो डिसीजन आ सकता है, सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दे हैव टू टेक देयर डिसीजन, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने बताया है, जो भी लोकल पॉलिटिशियन है उसके हिसाब से उनको कहीं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिसीजन लेना कंपल्सन रहता है, मतलब दे हैव द फियर ऑफ इट। नेक्स्ट है, करप्शन इज सीन इन पब्लिक डील, मतलब इस स्टेटिस्टिक कॉर्पोरेशन में बहुत सारा भ्रष्टाचार देखने को आपको मिलता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन। ओके, नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, सो एक्चुअली इसका कामकाज टोटली दे हैव फ्रीडम टू डू देयर ओन फंक्शनिंग, ओके, बट डिसीजन क्विक होना चाहिए, बट इस बिजनेस में भी हम बोलते हैं कि डिसीजन क्विक होता है इफ यू कंपेयर विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बट इन रियलिटी डिसीजन लेने के लिए यहाँ भी टाइम लगता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एडवाइजर हु कंट्रोल द फंक्शन ऑफ इट, मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, एक एडवाइजर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, एक एडवाइजर करके गवर्नमेंट एक इंसान उस बिजनेस में भेजता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो एक एडवाइजर करके उस बिजनेस में भेजता है, और वो एडवाइजर क्या करता है, जो भी उनका बिजनेस का कामकाज है वो खुद के कंट्रोल में करता है, कुछ डिसीजन लेना है तो वो एडवाइजर लेगा, कुछ भी काम करना है, कुछ भी परमिशन लेना है तो उस एडवाइजर को पूछ के लेना पड़ता है, बट हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता, बट ज़्यादा से ज़्यादा रियल सिचुएशन में यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, सो ड्यू टू दिस थिंग्स आर have the disadvantage. So I hope you got the clear concept about what is the statutory corporation, what are the features of statutory corporation, merits of statutory corporation as well as limitations of statutory corporation. Suppose if you have any doubt, हम online class में clear करेंगे. So next video में जो भी government companies हैं वो detail में हम features, merits and limitations के साथ पढ़ेंगे. So thank you so much. Bye bye. Take care.